वेलकम बैक बॉलीवुड मनीष द कश्मीर फाइल। जब तक दम है तब तक सबका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तोड़ते रहेंगे भाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट रिव्यू बच्चन पंडे स्टार्ट कर लेते हैं। अक्षय कुमार के रपचिक धांसु परफॉर्मेंस होने के बाद भी इतना धमाल नहीं कर पाया जितना धमाका ट्रेलर में किया था। मतलब नाम बड़ा और दर्शन छोटा कैटेगरी में चला गया। ये फिल्म मेरे उम्मीद में खड़ा नहीं हो पाया जितना मैंने सोचा था, लेकिन हाँ वन टाइम जरूर वॉच कर सकते हो। इस फिल्म का स्टोरी ट्रेलर में आप ऑलरेडी देख चुके हो। प्रीति एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर होती है, उसे कहीं पर भी मौका नहीं मिलते। फिर उसे एक सीनियर ने आइडिया देता है, जाओ किसी गैंगस्टर पर जाके फिल्म बनाओ। उसके बाद ट्रेलर में सब कुछ आप ऑलरेडी देख चुके हो, इससे ज्यादा और कुछ देखने नहीं मिलेगा। अक्षय कुमार का एंट्री के बारे में क्या बोलूं यार, बिल्कुल धांसू वाला तो नहीं था बट मजा आया। और जब अक्षय कुमार का एंट्री था ना भाई, पैसा वसूल है। मतलब क्या सोया गया, क्या एटीट्यूड है, छा गया गुरु का। स्टोरी में थोड़ा दम होता और डायलॉग के साथ साथ जोक है बिल्कुल क्रेंज है क्रेंज। कुछ जोक ऐसे भी था हंसने के बाद अंदर से ऐसे फील हुआ ये जोक था क्या। कुछ जोक ऐसे भी है जो इधर और उधर से उठाया गया, और फिल्म में कुछ सीन ऐसे भी है जो रियल में हंसी आएगा। मतलब गिने चुने कुछ ऐसा सीन है। अक्षय कुमार के बाद संजय मिश्रा और पंकज जी ने फुल धमाल किया है अपने किरदार में, लेकिन हाँ फिल्म मेकर इसका और भी बेहतर कर सकता था बट अभी कोई चांस नहीं है। फिल्म में भर भर के मसाला डाला गया लेकिन नमक डालने भूल गया तो टेस्ट कहां से आएगा। और जिसको बिना लॉजिक के मूवी देखना है उसके लिए वेलकम है बच्चन पांडे, वेलकम वेलकम। बच्चन पांडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्लो होने का मतलब एक ही रीजन है, वो है द कश्मीर फाइल। भाई ये फिल्म तो अपने सामने किसी को भी खड़ा होने नहीं दिया। मतलब ऐसा ब्लॉकबस्टर बन गया, छा गया अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। बॉक्स ऑफिस के जो कलेक्शन है उसके हिसाब से द कश्मीर फाइल नंबर 4 में हो चुका है। मतलब दसवां दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है उसके हिसाब से द कश्मीर फाइल का जो दसवां दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 26 करोड़ प्लस, मतलब 27 करोड़ के आसपास, और मतलब काफी धमाकेदार रिकॉर्ड है। उसके बाद नवा दिन का जो इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 24 करोड़ प्लस, और इसका 11वां दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 9 करोड़ प्लस। द कश्मीर फाइल ने दिखा दिया भाई स्टोरी के अंदर दम है, तो सामने वाले एक्टर कोई बड़ा क्यों ना हो, कोई बड़े बजट का फिल्म क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। पब्लिक को चाहिए अच्छा स्टोरी, रियल, जो हमें अच्छा लगे, दिल को भा जाए। तो ऐसे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, फिर मिलेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में दोनों मिलके आप और मैं।